हर घर में एक ऐसा कोना जरूर होगा जो आपके दिल के पास होगा, तो मेरे घर में भी है ऐसा ही एक कोना। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस कर दीजिएगा और उसके बाद आएगा एक बेल आइकन, तो इसको भी हिट कीजिएगा ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीषा, और फ्रेंड्स हमारा घर है जो हमें सुकून देता है, और उस घर में भी एक ऐसा कॉर्नर जरूर होगा जो आपका फेवरेट होगा। तो मेरे घर में भी है एक ऐसा ही कॉर्नर जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, जिसको मैंने बहुत ही बेसिक सा क्रिएट किया है। तो जहाँ बैठ के मैं पीती हूँ अपनी चाय और करती हूँ अपना काम, शाम को वहाँ बैठ के मुझे रिलैक्स करना बहुत ही अच्छा लगता है, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली है, जिसमें आपको कुछ भी ऐसा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक सा है। तो एक ऐसा कॉर्नर घर में जरूर होना चाहिए, जब भी आप रिलैक्स करने का मूड हो तो आप वहां जाकर के रिलैक्स कर सके, अपने फेवरेट काम वहां पर कर सके। तो मैंने भी ऐसा ही कॉर्नर क्रिएट किया है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको क्रिएट करने के लिए मैंने चूज़ किया अपने सोफे का ये वाला कॉर्नर, जो कि खाली पड़ा हुआ था, बहुत ही अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसी कॉर्नर को थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। तो इस तरह से बन करके आया है मेरा ये कॉर्नर, जो कि है मेरा एक स्टडी कॉर्नर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आप भी कोई भी एक ऐसा कॉर्नर चूज़ कर सकते हैं जो कि पड़ा हुआ है खाली। तो उस खाली कॉर्नर में सबसे पहले तो हम ऐड करेंगे थोड़ी सी ग्रीनरी, और ग्रीनरी ऐड करने के लिए किसी भी कॉर्नर को अगर आप इन्हांस करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप एक पाम ट्री लगा सकते हैं, जो कि उसकी ब्यूटी को बहुत ही बढ़ा देता है पाम ट्री। और अगर आप लाइव पाम ट्री नहीं लेना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल पाम ट्री भी आते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और किसी भी जगह की खूबसूरती को ये बढ़ा देते हैं, बहुत हद तक उसको बढ़ाते हैं। तो मैंने अपने यहाँ पर लगा दिया है ये पाम ट्री, जो कि काफ़ी बड़ा है और ये बिल्कुल हरा भरा भी है, तो मैंने इसको थोड़ा सा टाई कर दिया है ताकि बिल्कुल ज़्यादा फैला हुआ ना लगे, क्योंकि बहुत हैवी था ये। और उसके बाद मैं उस पर लगा दूंगी ये स्ट्रिंग लाइट, जो कि एलईडी लाइट है। तो जब भी आप किसी भी प्लांट पर कोई भी लाइट लगाते हैं तो एलईडी लाइट ही यूज़ करें, बैटरी से चलने वाली होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर एलईडी नहीं होगी तो वो आपके जो प्लांट्स हैं उनको हार्म करेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एलईडी लाइट चूज़ की है, जो कि बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। जब भी आप शाम को इसको जलाएंगे तो ये एक अलग ही एहसास आपको देगी। तो यहाँ पे मैंने इसके चारों तरफ लगा दिया है ये अपनी स्ट्रिंग लाइट लगा दी है, और अब मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ। उसके साथ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और दो तीन चीज़ें ऐड हमें कर देनी है। तो पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ये लाइट कैसी लगती है। तो ये देखिए, फ़िलहाल तो मैंने सारी ट्यूबलाइट ऑन की हुई है इसलिए ऐसे लग रही है, बट मैं इसको आपको एक बार लाइट ऑफ करके रूम की उसका भी लुक देती हूँ। दिन का समय है तो थोड़ी सी बाहर से रोशनी आ रही है, बट ये बहुत ही खूबसूरत लगता है शाम के वक्त में, और इन लाइट्स का आप बाकी कई जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे मूव करते हैं। उसके बाद जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो है एक रनर को बिछाना। कोई भी आप रनर ले लीजिएगा, घर में काफ़ी सारे रहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ये रनर है जो कि मैंने लिया था कतरन मार्केट से, 200 रुपीज़ का लिया। इस तरह के जो आपको फ्लोर पे बिछाने वाले रनर है, ये किसी भी लोकल मार्केट से, लोकल शॉप से आपको 200-300 रुपए में इजीली मिल जाते हैं, और आप इनको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बाय चांस मैंने ऐसे ही ले लिया था, तो ये मेरा यहाँ पे काम आ गया। इसको मैं मल्टीपर्पज़ यूज़ करती थी पहले, टॉय वगैरह टॉय रूम में बिछाया हुआ था मैंने, या खाना खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आप जब रनर लेते हैं इतने, मतलब 200 से 300 की रेंज में, तो आप उनको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। और देखिए इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है, एथनिक लुक आ रहा है इसका एकदम से। उसके बाद मैं थोड़ी सी ग्रीनरी और ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे ये जो स्पेस है ये खाली लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्लांट रख दिया है, छोटे से पॉट में है ये प्लांट, तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जिसमें थोड़े से मैंने मार्बल्स डाल दिए हैं, और कुछ एक आइटम और पड़ी हुई है ऐसे ही थोड़ी सी रोशनी देने के लिए। तो इस तरह से आप ये मार्बल्स डाल सकते हैं, तो ये आपके जो प्लांट्स हैं उनकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। उसके साथ में एक ये भी एक फ्लावर पॉट था, जो कि मैंने अंदर से इसको गोल्डन कलर का कर दिया है। तो इसको गोल्डन कलर करने से क्या इम्पैक्ट आता है वो मैं अभी जस्ट आपको दिखाऊंगी। और उसके अंदर मैंने लगा दी है ये कैंडल, तो मैंने इसको एज ए कैंडल होल्डर यूज़ किया है, जबकि एक ये प्लांट लगाने के लिए था।
सेरेमिक का है ये, तो मैंने इसके अंदर गोल्ड कलर करके और इसके अंदर कैंडल रख दी है। तो ये मेरा बन गया है कैंडल होल्डर, जो कि बहुत ही सस्ता सा है। और जब आप इसके अंदर कैंडल जलाएंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा आएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। साथ में मैंने अपनी जो काम की डायरियाँ हैं, जो मुझे यहाँ बैठ के काम करना है, वो रख दी हैं। और साथ में रखा है मैंने एक ही कुशन कमर लगाने के लिए, जिसपे कि मैंने लगा दिया है एक ही कुशन कवर। ये स्पैरो कुशन कवर है, येलो कलर का, बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि गर्मियां हैं, मॉनसून का सीज़न है, तो थोड़े से ब्राइट कलर अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी ब्यूटी की जगह की ब्यूटी को इन्हांस करेगा। तो देखिए जो मेरा कॉर्नर है वो एकदम से रेडी हो चुका है। बस ज़रूरत थी तो एक इस तरह के एक शोपीस की, जो कि यहाँ पे मिट्टी मुझे दिखाई दे रही है, इसको ढकने के भी काम आएगा और ये मुझे मोटिवेट भी करेगा। लव, पीस एंड फॉरगिवनेस, ये आपकी लाइफ का फंडा होना चाहिए। फिलहाल इन तीनों की चीज़ों की मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मैंने इनको एक वाइट पेपर के ऊपर प्रिंट करवा लिया है। और ये एक फ्रेम था जो कि खाली पड़ा हुआ था, वेस्ट पड़ा हुआ था, उसके ऊपर मैंने येलो कलर का पेंट कर दिया है ताकि मेरी थीम के साथ मैच भी हो जाए। साथ में मैंने रख दिए हैं एक बॉक्स में ये बिस्किट रख दिए हैं खाने के लिए। जब भी मैं चाय पीने के लिए यहाँ पे बैठूँगी तो मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। और साथ में आ गया है मेरा कॉफ़ी मग, जो कि कह रहा है कि वर्क हार्ड, तो यस बिल्कुल ऐसा ही हम करेंगे। तो ये मेरा क्रिएट हो गया है बेसिक सी चीज़ों के साथ, मेरा एक वर्किंग कॉर्नर कह लीजिए, रिलैक्सिंग कॉर्नर, रीडिंग कॉर्नर, जो भी आप इसको नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो यहाँ पे बैठ के मैं करती हूँ अपना काम, देखती हूँ अपने फेवरेट यूट्यूबर की वीडियोज़ को और पीती हूँ उसके साथ में अपनी चाय। तो जो आपको पता है कि चाय तो मस्ट है, इसके बिना मेरा कोई भी काम अधूरा रहता है। इस कॉर्नर को क्रिएट करने के लिए मैंने ग्रीन, येलो एंड रेड कलर का यूज़ किया है, जो कि आपकी गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। येलो एंड ग्रीन कलर तो समर में और रेनी सीजन में इन रहता है, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है फ्रेंड कि आपको मेरा ये छोटा सा कॉर्नर जरूर पसंद आया होगा, जो कि बहुत ही बेसिक सा था, जहाँ पे मैं रिलैक्स करती हूँ। आई नो कि आपको ये भी रिलैक्सिंग लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इससे कुछ आइडिया मिला है, आपको कुछ हेल्प हुई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। और अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की वीडियोस, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। और फिर मिलूंगी मैं आपसे इसी तरह की कुछ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।